Once again, good morning to all of you. Again, we are here in our webinar, online classes, class 7, remaining part of verb. Again, I am telling you, हम थोड़ा सा इसको revise करते हैं verb में. It's very simple. Verb, action, which shows action, जो action दिखाता है. State of being, आप किस अवस्था में हैं, ये बताता है. Positions. There are three forms जो हमने verb के form देखे. पहला infinitive जिसमें to लगता है, to learn, to get, to acquaint, to save, to serve. दूसरा होता है base form जिसको हम use करते हैं as it is dictionary में meaning पढ़ने के लिए कि what do you mean by that word. जैसे win, win का मतलब क्या होता है, तो win is a base form. आपने देखा विन मतलब जीतना. नाउ द इंपॉर्टेंस इज कॉन्जुगेटेड. थर्ड फॉर्म इज कॉन्जुगेटेड. इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर. जैसे अगर विल की बात करें, विन की बात करें, जीतना, तो आई विल, मैं जीतता हूं. आई वॉन, मैं जीता. आई विल, विन, मैं जीतूंगा. फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर वर्ब दोज वर्ब, वो वर्ब होते हैं जिनका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, लेकिन बेस फॉर्म में ईडी लगता है, उनके फॉर्म में ईडी लगता है, जिसको हमने स्पेशल वर्ड दिया था. I mean, so we use that ed. Irregular, जिसमें स्पेलिंग अलग अलग होती है, लगभग अलग अलग होती है. कुछ ऐसी है जिनकी एक जैसी होती है लेकिन उनमें ईडी नहीं लगता. अगर ईडी लग जाता है तो वो रेगुलर, ईडी नहीं लगा तो इरेगुलर. I have written 15, या मैंने लगभग 12-15 इंपॉर्टेंट वर्ब बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखा है. आपको इनको मतलब अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आपको इन 15-20 में से ही बार 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 लिखने को आएगा, बोलने को आएगा. इफ यू हैव कमांड ओवर बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यदि इनके ऊपर आपका कंट्रोल है तो आप मान के चलिए आपकी इंग्लिश का जो स्पोकन पार्ट है वो काफी कुछ स्ट्रांग हो जाएगा. सबसे पहला हमने बेस फॉर्म लिया है वर्क, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है वर्क. वर्क बेस फॉर्म, वर्ड ईडी लगा देंगे एंड फिर लगा देंगे वर्ड पास्ट पार्टिसिपल. इसका अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले प्रेजेंट में बनाते हैं. आई वर्क, मैं काम करता हूँ. ताती के लगेगा, मैं काम करता हूँ. ही वर्क्स, के बाद एस लग जाएगा, WARKS, ही वर्क्स, है ना, सिमिलर. वर्क्स, वह काम करता है. ही वर्क्स, वह काम करती है. शी वर्क्स, मेरे पापा काम करते हैं. माई फादर वर्क्स. ओके, सिंपल पास्ट, काम किया, काम किया. आई वर्क, ही वर्क, शी वर्क, हमने क्या करा, ईडी लगा दी. पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्वियसली काम हो चुका है, टाइम हो गया है, आप हैज हैव या हैड लगा देंगे. हैज हैव या हैड, तो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया. आप अक्सर बोलते हैं ना, मैडम शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया. तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, राइट, कंप्लीट का कंप्लीटेड, वर्क का वर्क्ड. तो ये हम कुछ ऐसी रेगुलर वर्ब है जिनको तीनों फॉर्म आपको टिप ऑफ द टंग, जबान के ऊपर होना चाहिए, आप इंग्लिश में काफी कुछ कमांड कर सकते हैं. दूसरा, यहां मैंने जगह छोड़ी, मैं यहां पर लिख रहा हूं डू. सबसे इंपॉर्टेंट है डी ओ डू, इसका होता है डिड, और फिर होता है डन, डी ओ एन ई. अब अगर मैं ध्यान से देखू, आई डू, मैं मेरा काम करता हूं. आई डिड, मैंने काम किया. आई हैव डन, मैं काम कर चुका हूं या मेरा काम हो गया है. आई हैव डन, ये आप अक्सर क्लास में बोलते हैं. टीचर पूछता है, हु इज डन होमवर्क. यस सर, आई हैव डन. यस मैडम, आई हैव डन, मतलब मैंने मेरा काम किया, राइट. और आई डिड, मैंने किया. तो यहां पर आप यूज कर सकते. अब मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखता जाऊंगा, आप मुझे बताना. वर्क
वर्ब दिस, कौन सी वर्ब? रेगुलर, करेक्ट, आर लिख दिया रेगुलर, क्यों? क्योंकि ईडी लग रहा है तुम्हें। डू डिड डन ऑब्वियसली चेंज है, इरेगुलर वर्ब आई आर इरेगुलर। थर्ड आस्क, आस्क्ड आस्क्ड, मैं पूछता हूं आई आस्क, मैंने पूछा आई आस्क्ड, मैं पूछ चुका हूं आई हैव आस्क्ड। ये भी बहुत आता है क्योंकि आप अक्सर क्लास में बोलते हो सर आई हैव आस्क्ड हर, मैंने तुझसे पूछा, बट शी डिड नॉट रिप्लाई, जवाब नहीं दिया, डिड नॉट, शी डिड नॉट रिप्लाई। तो देखो आप कैसे हम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर एक ऐसा एटमोसफियर बना सकते हैं क्लास में इंग्लिश का, दैट एवरीवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आई आस्क, मैं पूछता हूँ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई हैव आस्क्ड, मैंने पूछा या मैं पूछ चुका हूँ, आई हैव बीन आस्क्ड, पूछा गया। ये कौन सा है? आस्क, 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 रेगुलर वर्ब, क्यों? क्योंकि इसमें ईडी लग रहा है, तो स्पेलिंग सेम है। तीसरा ब्रेक, अक्सर ये पूछा जाता है ब्रेक का क्यों आता है? सर इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, है ना, इसने बेंच का नट तोड़ दिया, इसने ग्लास तोड़ दिया, वर्ड बहुत यूज होता है क्लास में। तो ब्रेक तोड़ता है प्रेजेंट, ब्रोक तोड़ा, ब्रोकन तोड़ चुका है या तोड़ा गया है, कौन सा वर्ड हुआ? इरेगुलर, वेरी गुड। वाई इरेगुलर? तीनों स्पेलिंग अलग अलग है, ब्रेक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। आई ब्रेक अ ग्लास विंडो, मैं कांच की ग्लास खिड़की का कांच तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, आई ब्रेक, और तोड़ रहा हूं आई एम ब्रेकिंग, आई एन जी लग जाए, ध्यान देना फर्क है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तातीते, जब क्रिया में तातीते लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई ब्रेक द ग्लास, मैं ग्लास तोड़ता हूं, आई एम ब्रेकिंग द ग्लास, मैं ग्लास तोड़ रहा हूं, अंतर बता दूंगा। आई ब्रोक द ग्लास, टीचर हैज कम इन द क्लास, टीचर है क्लास में, आई ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, इसने ग्लास तोड़ा, तो अ गुड बॉय इज देयर, वेरी ऑनेस्टली ही स्टूड अप एंड सेड दैट सर आई ब्रोक द ग्लास, आई ब्रोक, मैंने ग्लास तोड़ा। या somebody say सर ही हैज ब्रोकन द ग्लास, सर सर ही हैज ब्रोकन द ग्लास, ही हैज ब्रोकन द ग्लास, मतलब इसने ग्लास तोड़ा है या ग्लास इसके द्वारा तोड़ा गया है। टाइम हो गया, तो आपने ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, कौन सी वर्ब होगी? इरेगुलर, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंक थॉट थॉट, कंफ्यूजन, स्पेलिंग तो दोनों की सेम है बट ईडी नहीं लग रहा है, इसलिए वेरी गुड, इट्स ए इरेगुलर वर्ब। आई थिंक, हम बात कर चुके, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ I am thinking, simple, I am thinking, but here मैं सोचता हूँ, I think, I thought, मैंने सोचा, I thought, I have thought, मेरे द्वारा सोचा गया है या मैं सोच चुका हूँ, I have thought, think, thought, thought, kill, एक important word आता है, kill, killed, killed, kill, मारना, right, मारता, मारना, I kill, मैं मारता हूं, आई किल्ड, जान से मारा, किल मतलब जान से, आई किल्ड, मैंने मारा, आई हैव किल्ड, है ना, आपके द्वारा मारा गया, टाइम हो गया, आई हैव किल्ड, तो किल किल्ड किल्ड कौन सा होगा बेटा? वेरी गुड, रेगुलर ईडी है, राइट। इसी के साथ मैं एक और जोड़ना चाहता हूं, जो ये तो आपको लैंग्वेज में यूज होगा, इंग्लिश में, जो आपके कॉमन डे में यूज होता है वो होता है बीट, बीटन, बीटन, राइट सर ही हैज बीटन मी, ये बहुत कंप्लेंट आती है, सर ही हैज बीटन मी, उसने मुझे मारा, तो लेकिन कौन सा होगा बीट का, कौन सा होगा? इरेगुलर, बीटन इरेगुलर, क्योंकि स्पेलिंग में है तो सेम लेकिन नहीं है। जंप बहुत यूज होता है, हु जंप इन द क्लास, क्लास में कौन कूदा? आई आस्क द क्वेश्चन, हु जंप इन द क्लास, और हु जंप ओवर द टेबल, हु जंप ओवर द चेयर, चेयर के ऊपर से कौन कूदा? सर ही जंप,
आप बताएं सर शी जंप तो ईडी लग रहा है जंप यानी कूदता है आई जंप मैं कूदता हूं और मैं कूद रहा हूं आई एम जंपिंग अभी हम आईजी का प्रयोग कर ही नहीं रहे आई जंप मैं कूदता हूं आई जंप मैं कूदा और आई हैव जंप्ड मैं कूदा हूं टाइम हो चुका है पास इसलिए हमने इसका नाम ही लिया है पास पार्टिसिपल समय निकल गया तो जंप वर्ड भी ऐसा है जो अक्सर क्लास में आता है तो हमें याद रखना चाहिए कि जंप सेकंड फॉर्म जंप थर्ड फॉर्म भी जंप तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये वेरी रेगुलर वर्ब गुड चढ़ना ये एक बहुत होता है ना दीवार पे चढ़ गए पेड़ के ऊपर था उस पे चढ़ गए सीढ़ियों पे चढ़ गए तो वहां पर है वर्ड यूज करते हैं क्लाइम सी एल आई एम बी क्लाइम क्लाइम का मतलब चढ़ना क्लाइम चढ़ा क्लाइंब चढ़ा समय हो चुका सर आई क्लाइंब मैं चढ़ता हूं मैं चढ़ता हूं आई क्लाइंब मैं चढ़ा आई हैव क्लाइंब मैं चढ़ा चढ़ा हूं या चढ़ चुका कौन सी होगी ईडी लग रहा है वेरी गुड रेगुलर फॉर्म एक हम कॉमन मिस्टेक करते हैं इवन सम टाइम दैट मिस्टेक कुड बी डन बाय मी कभी कभी मुझसे भी हो जाती है कट कट इज अ वर्ब किसी चीज को तोड़ना काटना कट कट बाय नाइफ कट बाय एक्स एक्स मींस हैमर और हथौड़ा कुल्हाड़ी एक्स है ना नाइफ और सीजर्स क्या बोलोगे आप सीजर्स एक चीज में ध्यान देना बेटा सीजर्स हमेशा पेयर में होती है ना सीजर्स के दो पेयर होते हैं मतलब दो को मिला के एक बनती है अगर आप ध्यान से देखें है दो टांग होती टू फॉर्म्स आर देयर और टू लेग्स आर देयर इसलिए उसको सीजर नहीं कहते सीजर्स कहते हैं तो कोई भी चीज जो पेयर में होगी उसमें एस लगता है सीजर्स शू नहीं बोलते क्या बोलते हैं शूज क्योंकि वो दो होते हैं सॉक्स नहीं सॉक्स क्योंकि वो हमेशा पेयर में होते तो आपने बोला आई कट द पेपर आई कट द पेपर मैं पेपर काटता हूं आई कट द पेपर यहां कट का कट ही हुआ लेकिन पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं मैंने पेपर काटा आई कट द पेपर आई हैव कट द पेपर मैं पेपर काट चुका हूं है ना या मेरे द्वारा पेपर काटा गया है आई हैव कट लेकिन कट 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 तीनों सेंटेंसेस सेम है प्रोनंसिएशन सेम होगा एक चीज का ध्यान रखना है पर अक्सर बच्चे कट के आगे ईडी लगा देते हैं कट कटेड कटेड सर ही कटेड सर शी कटेड कंप्लेन कर लेते बेटा ध्यान रखना कट में हमेशा तीनों फॉर्म एक जैसे प्रोनंसिएशन सेम कट के बाद पुट रखना है ना आई एंटर इन द क्लास मैं क्लास में आया मैंने देखा ऑन माय टेबल टीचर्स टेबल देयर वाज अ वन एरोप्लेन व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ पेपर जो कैसे किसके द्वारा बनाया गया है पेपर के द्वारा तो मेरा पहला क्वेश्चन Who has put this? मतलब who has put इसको who has put on the table इसको table पे किसने रखा? तो somebody will say sir I put मैंने रखा I put मैंने रखा right और दूसरा she has put sir class monitor has put किसने रखा? Class monitor तो class monitor has put और she has put और he has put ध्यान देना put मैंने यहाँ simple present में भी put लगाया पास में भी पुट लगाया और पास्ट पार्टिसिपल जो काम हो चुका है समय उसमें भी पुट क्योंकि पुट की जो यूज होती है वो तीनों में पुट ही होती है आपको सिर्फ ये देखना है कि टाइम कहाँ यूज हो रहा है आई पुट मैं काटता हूँ आई पुट मैं काट मैंने काटा आपको ये देखना है कहाँ यूज तो कौन सी वर्ब होगी बेटे कट की कौन सी वर्ब होगी रेगुलर रेगुलर वेरी गुड कट 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 इरेगुलर पीडी नहीं है पुट 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 वेरी गुड इरेगुलर पीडी नहीं है एक अक्सर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है हमारा फॉल गिरना है ना कोई चीज नीचे गिरी या आप गिर गए या बच्चे गिर गए ना फॉल फॉल फेल ध्यान फेल एंड फैलन फॉल फेल फैलन वर्ड अलग अलग है तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है कौन सा होगा वेरी गुड
इरेगुलर वर्ब आई आर। मैं गिरता हूं आई फॉल, है ना। वह गिरता है ही फॉल्स, वह गिरता है। कौन गिरा, हू फेल, आई फेल, सर मैं गिरा, सर शी फेल, वह गिरी। बुक्स फेल, पुस्तकें गिरी, है ना। जो पास्ट टेंस में होता है उसमें फेल लगेगा, फॉल का फेल। और जो टाइम हो चुका है राइट, तो आप बोलेंगे सर शी हैज फॉलन डाउन, वह नीचे गिर गई। फॉलन डाउन, शी हैज फॉलन डाउन, और शी हैज फॉलन डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से गिर गई है। तो जहां क्रिया हो चुकी है, समय हो चुका है, वहां आप फॉलन लगाएंगे। तो फॉल गिरता है, फेल गिरा, फॉलन गिर चुका है, समय हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया स्वेलो, निगलना, गीलना जिसको हम कहते हैं। आपने रोटी खाई चबाई और स्वेलो निगलना। ये वर्ड अगर आप ध्यान से देखें, स्वेलो स्वेलोड स्वेलोड, स्वेलो स्वेलोड स्वेलोड, इसका मतलब करेक्ट। थ्री लगा है तो रेगुलर वर्ब। आई स्वेलो द टैबलेट, आई स्वेलो द टैबलेट, मैं टैबलेट निगलता हूँ। आई स्वेलोड द टैबलेट, मैंने टैबलेट निगल ली, है ना, मैंने टैबलेट निगली अभी अभी। एंड आई हैव स्वेलोड द टैबलेट, मैंने टैबलेट खा चुका हूँ, या निगल के टाइम। एक वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है विन, जीतना, है ना, जीतता है। आई विन, मैं जीतता हूँ। आई वॉन, डब्ल्यू वन, मैं जीता। और इंडिया हैज वॉन, भारत में जीत गया है। तो विन वॉन वॉन, प्रोनंसिएशन वॉन और वॉन दोनों सेम है, लेकिन ईडी नहीं है, इसलिए ये लग जाएगा इररेगुलर वर्ब, राइट। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा रट लें बार 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 बार, बिकॉज व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आपको अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मालूम है वर्ब की, तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं। थैंक यू।